हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। सो गाइज, आज की इस वीडियो में कुछ इस प्रकार की इंटरेस्टिंग फोटो एडिटिंग करना सीखेंगे, वो भी स्नैपसीड ऐप की मदद से। अगर आप भी ऐसी फोटो एडिटिंग करने में इंटरेस्ट रखते हो तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें। वह चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वह बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे ऐसे ही फोटो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आपको समय पर मिलते रहे। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिना समय को वेस्ट करते वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको सब पढ़ते अपने गैलरी से सिंपल सा ओरिजिनल पिक को ओपन कर लेना है। आप देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस प्रकार से ये है अपना सिंपल सा ओरिजिनल पिक, जिसे अपन आज की इस वीडियो में कुछ इस प्रकार से HD क्वालिटी में फेस स्मूथ फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ इस प्रकार से HD क्वालिटी में फेस स्मूथ फोटो एडिटिंग करने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों, कुछ इस प्रकार से सियान कलर टोन में फोटो एडिटिंग करने वाला है। तथा दोस्तों, कुछ इस प्रकार से येलो टोन कलर टोन में भी कुछ इस प्रकार से फोटो एडिटिंग करने वाला है। अगर आप भी ऐसी फोटो एडिटिंग करना चाहते हो तो अपने सिंपल से ओरिजिनल पिक को दोस्तों आपको यहाँ से शेयर करके ओपन कर लेना है स्नैपसीड ऐप के अंदर। स्नैपसीड ऐप दोस्तों प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, वहाँ से जाके आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। फिर दोस्तों आपके सामने स्नैपसीड ऐप के अंदर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर नजर आएगा। सिंपली से दोस्तों आपको नीचे की तरफ से राइट साइड से सेकंड नंबर ऑप्शन टूल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा हीलिंग का, इसके ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से रेड कलर में दोस्तों आपको सेलेक्ट करना है। तथा दोस्तों आपको यहाँ से अपने फोटो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको सेलेक्ट करते हुए रिमूव कर देना है। इस प्रकार से दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से ब्रश चलाना है तथा सेलेक्ट करते हुए यहाँ से अपने फोटो को रिमूव कर लेना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको नीचे की तरफ राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आपका फोटो रिमूव हो चुका है, आपका बैकग्राउंड रह चुका है। अपने बैकग्राउंड को एडिट करने के लिए वापस से दोस्तों आपको नीचे की तरफ टूल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ग्लोमर ग्लो का, सिंपली से दोस्तों आपको इसके ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको नीचे की तरफ से थर्ड नंबर ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पे सैचुरेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे दोस्तों आपको फुल्ली इंक्रीज करते हुए 100 रख लेना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको नीचे की तरफ राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको वापस से टूल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों आपको HDR स्केप का, इसके ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको नीचे की तरफ से फर्स्ट नंबर ऑप्शन नेचुरल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको नीचे की तरफ सैचुरेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे दोस्तों आपको इस प्रकार से फुल्ली इंक्रीज करते हुए 100 रख लेना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको नीचे की तरफ राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आपको वापस से टूल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे दोस्तों आपको फर्स्ट नंबर ऑप्शन मिल जाएगा ट्यून इमेज का, इसके ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको सैचुरेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे भी दोस्तों कुछ इस प्रकार से फुल्ली इंक्रीज कर लेना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको नीचे की तरफ राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको अपने बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए वापस से टूल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा लेंस ब्लर का, इसके ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस सर्कल को दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से छोटा कर लेना है तथा ब्लर स्ट्रेंथ को कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, इसे फुल्ली इंक्रीज करते हुए 100 रख लेना है। फिर दोस्तों आपको ट्रांजैक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे कुछ इस प्रकार से डिक्रीज करते हुए 0 रख लेना है। तथा दोस्तों आपको विग्नेट स्ट्रेंथ का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे भी दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से डिक्रीज करते हुए 0 रख लेना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको नीचे एक तरफ राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आपका बैकग्राउंड एडिट हो चुका है तथा ब्लर भी हो चुका है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको वापस से उसी फोटो को ऐड करने के लिए दोस्तों आपको नीचे की तरफ से टूल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डबल एक्सपोजर का, इसके ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको नीचे की तरफ से फर्स्ट नंबर ऑप्शन गैलरी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तथा दोस्तों आपको उसी फोटो को वापस से ऐड कर लेना है जो दोस्तों आपने सर्वप्रथम किया था। फिर दोस्तों आपको नीचे की तरफ से थर्ड नंबर ऑप्शन ओपेसिटी के ऑप्शन पर क्लिक करना है, इसकी ओपेसिटी को फुल्ली इंक्रीज कर लेना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको नीचे की तरफ राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आपको राइट साइड से ऊपर की तरफ थर्ड नंबर ऑप्शन एडिट स्टैक के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको व्यू एडिट्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है, डबल एक्सपोजर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ब्रश वाला आइकन को सिलेक्ट कर देना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको लेफ्ट साइड से नीचे की तरफ सेकंड नंबर ऑप्शन इनवर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों आपको नीचे की तरफ से डबल एक्सपोजर का अमाउंट कुछ इस प्रकार से 0 रख लेना है। तथा कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको फोटो को जूम करना है तथा जो दोस्तों आपका पहले वाला बैकग्राउंड है उस पर दोस्तों कुछ इस प्रकार से ब्रश चलाना है, जिससे आप देख सकते हैं आपका बैकग्राउंड चेंज होने लगेगा तथा दोस्तों कुछ इस प्रकार से नया बैकग्राउंड दोस्तों ऐड होने लगेगा। इस प्रकार से दोस्तों आपको ब्रश चलाते हुए बैकग्राउंड को चेंज कर लेना है। चलिए दोस्तों, मैं ऐसे कुछ इस प्रकार से ब्रश चलाते हुए बैकग्राउंड को चेंज कर लेता हूं। आप भी कुछ इस प्रकार से ब्रश चलाते हुए बैकग्राउंड को चेंज कर लीजिए। फिर दोस्तों मैं आपको आगे का ट्यूटोरियल बताता हूं।
कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको ब्रश चला लेने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपका बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से नीचे की तरफ राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, फिर दोस्तों आपको लेफ्ट साइड से ऊपर की तरफ एरो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से कर लेने के बाद दोस्तों आपको वापस से टूल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सेलेक्टिव का, सिंपली से दोस्तों आपको इसके ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको अपने फेस एंड स्किन को गोरा करने के कुछ इस प्रकार से सर्कल बनाना है, तथा दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से ब्राइटनेस को दोस्तों आपको इंक्रीज कर लेना है, सेचुरेशन कुछ इस प्रकार से डिक्रीज कर लेना है, तथा स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से डिक्रीज कर लेना है। इस प्रकार से जहाँ जहाँ पर दोस्तों आपका फेस एंड स्किन दोस्तों ब्लैक है वहाँ पर कुछ इस प्रकार से सर्कल बनाना है, ब्राइटनेस को दोस्तों आपको इंक्रीज कर लेना है, सेचुरेशन को डिक्रीज कर लेना है, तथा स्ट्रक्चर को कुछ इस प्रकार से डिक्रीज कर लेना है। इस प्रकार से आसानी से आप सेलेक्टेड टूल के माध्यम से सर्कल बनाते हो, कुछ इस प्रकार से अपने फेस एंड स्किन को आप गोरा कर सकते हो। इस प्रकार से दोस्तों आपको सर्कल बनाना है, ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लेना है, सेचुरेशन को डिक्रीज कर लेना है, तथा स्ट्रक्चर को कुछ इस प्रकार से डिक्रीज कर लेना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको नीचे की तरफ राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आपको वापस से टूल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ब्रश का, इसके ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको नीचे की तरफ से फोर्थ नंबर ऑप्शन सेचुरेशन का ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके अमाउंट को कुछ इस प्रकार से 10 कर लेना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको अपने फोटो कुछ इस प्रकार से जूम करना है, तथा कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको ब्रश चलाते हुए अपने लिप्स पर दोस्तों कलर ऐड कर लेना है। इस प्रकार से दोस्तों आपको आसानी से ब्रश चलाना है, तथा दोस्तों आपको अपने लिप्स पर कुछ इस प्रकार से कलर ऐड कर लेना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से नीचे की तरफ राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं पहले अपना फोटो कुछ इस प्रकार से था, अब कुछ इस प्रकार से स्नैपसीड ऐप के अंदर अपना फोटो एडिटिंग हो चुका है। फिर दोस्तों आपको अपने फेस को स्मूथ करने के लिए दोस्तों आपको ऊपर की तरफ शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फोटो को यहाँ से शेयर करके ओपन कर लेना है ऑटोडेस्क स्केच बुक ऐप के अंदर। ऑटोडेस्क स्केच बुक ऐप दोस्तों प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, वहाँ से जाके आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। कुछ इस प्रकार से दोस्तों ये लोड लेते हुए ऑटोडेस्क स्केच बुक ऐप के अंदर इसे आपको शेयर कर लेना है। इस प्रकार से ये लोड लेगा दोस्तों, तथा कुछ इस प्रकार से आपके सामने ऐप ऑप्शन नजर आएंगे। सिंपली से दोस्तों आपको इसे ऑटोडेस्क स्केच बुक ऐप के अंदर शेयर कर लेना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑटोडेस्क स्केच बुक ऐप के अंदर इंटरफेस खुलकर नजर आएगा। सिंपली से दोस्तों आपको सर्वप्रथम अपने फेस को स्मूथ करने के लिए राइट साइड से ऊपर की तरफ फोर्थ नंबर ऑप्शन ब्रश के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपके सामने ब्रश की लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी। सिंपली से दोस्तों आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा स्मज का। स्मज सेक्शन के अंदर दोस्तों आपको ये वाला ब्रश सेलेक्ट कर देना है जो मैंने किया है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको ऊपर की तरफ से सेकंड नंबर ऑप्शन सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको कुछ इस प्रकार से सेटिंग रख लेना है, फ्लो को रख लेना दोस्तों आपको 5%, तथा स्ट्रेंथ को रख लेना 8%, तथा साइज को अपने हिसाब से रख लेना है। फिर दोस्तों आपको ब्रश की साइज को एडजस्ट करने के लिए दोस्तों आपको नीचे की तरफ डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर राइट साइड स्क्रॉल करोगे तो ब्रश की साइज बढ़ेगी, तथा लेफ्ट साइड स्क्रॉल करोगे अगर आप तो ब्रश की साइज घटेगी। तो अपने फोटो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको जूम करना है कुछ इस प्रकार से। फिर दोस्तों आपको अपने ब्रश की साइज को दोस्तों बताए अनुसार एडजस्ट कर लेना है, तथा कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको ब्रश चलाना है जिससे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से अपना फेस स्मूथ होने लगेगा। कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको राउंड राउंड ब्रश चलाना है जिससे आसानी से आपका फेस कुछ इस प्रकार से स्मूथ होने लगेगा। इस प्रकार से दोस्तों आपको ब्रश चलाते हुए अपने फेस को स्मूथ कर लेना है। चलिए दोस्तों मैं कुछ इस प्रकार से ब्रश चलाते हुए अपने फेस को स्मूथ कर लेता हूँ, फिर दोस्तों मैं आपको आगे का ट्यूटोरियल बताता हूँ। आप भी कुछ इस प्रकार से ब्रश चलाते हुए अपने फेस को स्मूथ कर लीजिए। कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको ब्रश चला लेने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से ऑसम तरीके से अपना फेस एंड स्किन स्मूथ हो चुका है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको अब अपने बैकग्राउंड में येलो टोन प्लस दोस्तों सियान टोन इफेक्ट ऐड करने के लिए, तथा दोस्तों आपको अपनी फोटो की कलर ग्रेडिंग करने के लिए दोस्तों आपको इस फोटो को यहाँ से सेव करके ओपन कर लेना है लाइट रूम ऐप के अंदर। इसके लिए दोस्तों आपको राइट साइड से ऊपर की तरफ 6 नंबर ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, तथा दोस्तों आपको सेव टू डिवाइस के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने इस फोटो को यहाँ से सेव कर लेना है। फिर दोस्तों आपको अपने फोटो को यहाँ से इसे शेयर करके ओपन कर लेना है लाइट रूम ऐप के अंदर।
फिर दोस्तों आपको अपने फोटो को यहाँ से शेयर करके ओपन कर लेना है लाइटरूम ऐप के अंदर। लाइटरूम ऐप दोस्तों प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, वहाँ से जाके आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। फिर दोस्तों आपके सामने लाइटरूम ऐप के अंदर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर नजर आएगा। सिंपली से दोस्तों आपको नीचे एक तरफ बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे होंगे, आपको नीचे एक तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा लाइट का, इसके ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको अपनी फोटो की लाइट को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कंट्रास्ट का, इसे दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से कंट्रास्ट को दोस्तों आपको इंक्रीज कर लेना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको नीचे एक तरफ हाईलाइट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे भी दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से इंक्रीज कर लेना है। फिर दोस्तों आपको नीचे एक तरफ शेडो का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे भी दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से इंक्रीज कर लेना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको नीचे एक तरफ वाइट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से डिक्रीज कर लेना है। इस प्रकार से कर लेने के बाद दोस्तों आपको नीचे एक तरफ ब्लैक्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से इंक्रीज कर लेना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको नीचे एक तरफ लाइट के आगे वाले ऑप्शन कलर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। कलर के ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको टेम्प का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली से दोस्तों आपको टेम्परेचर को कुछ इस प्रकार से डिक्रीज कर लेना है। फिर दोस्तों आपको टिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से इंक्रीज कर लेना है। फिर दोस्तों आपको वाइब्रेंस का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से इंक्रीज कर लेना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको इसी ऑप्शन के अंदर ऊपर की तरफ दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा मिक्स टूल का, इसके ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे कलर नजर आएंगे, सिंपली से दोस्तों आपको सर्वप्रथम रेड कलर को सिलेक्ट करना है तथा इसकी सैचुरेशन को कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको इंक्रीज करते हुए 100 रख लेना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको इसके आगे वाला कलर ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है, इसकी सैचुरेशन को दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से डिक्रीज कर लेना है तथा दोस्तों आपको नीचे एक तरफ ल्यूमेंस का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से इंक्रीज कर लेना है जितना आप अपने फेस एंड स्किन को दोस्तों आप गोरा रखना चाहते हो। मैं इसे कुछ इस प्रकार से 79 के अराउंड इंक्रीज कर लेता हूँ। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ब्लू कलर को सिलेक्ट करना है, इसकी ह्यू को दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से डिक्रीज करते हुए 100 रख लेना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको सियान कलर को सिलेक्ट करना है तथा इसकी सैचुरेशन कुछ इस प्रकार से इंक्रीज करते हुए दोस्तों आपको 100 रख लेना है। फिर दोस्तों आपको मैंने थंबनेल में प्लस दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि मैं एक ही फोटो से दो कलर टोन वाली फोटो एडिटिंग करना सिखाऊंगा, वो भी येलो टोन प्लस दोस्तों सियान टोन। तो सर्वप्रथम दोस्तों आपको अपने बैकग्राउंड में येलो टोन डालने के लिए दोस्तों आपको ग्रीन कलर को सिलेक्ट करना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको इसकी ह्यू को कुछ इस प्रकार से डिक्रीज कर लेना है तथा दोस्तों आपको इसकी सैचुरेशन को कुछ इस प्रकार से इंक्रीज कर लेना है तथा दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से येलो कलर को सिलेक्ट करना है तथा इसकी सैचुरेशन कुछ इस प्रकार से इंक्रीज कर लेना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से अपने बैकग्राउंड में येलो टोन इफेक्ट ऐड हो चुका है। इस प्रकार से कर लेने के बाद दोस्तों आपको अपने फोटो को HD क्वालिटी में गैलरी में सेव करने के लिए दोस्तों आपको ऊपर की तरफ शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है तथा दोस्तों यहाँ पे आपको सेव टू डिवाइस के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे दोस्तों आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिससे दोस्तों आपका फोटो HD क्वालिटी में गैलरी में सेव हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों अपना फर्स्ट कलर टोन येलो कलर टोन ऐड हो चुका है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों अब आपको अपने फोटो में सियान कलर टोन ऐड करने के लिए दोस्तों आपको वापस से ग्रीन कलर को सिलेक्ट करना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ह्यू का ऑप्शन मिलेगा, इसे दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से फुल्ली इंक्रीज करते हुए 100 रख लेना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे की तरफ सैचुरेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से 50 रख लेना है। इस प्रकार से कर लेने के बाद दोस्तों आपको येलो कलर को सिलेक्ट करना है तथा दोस्तों इसकी ह्यू को दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से इंक्रीज करते हुए दोस्तों आपको 100 रख लेना है तथा दोस्तों आपको इसकी सैचुरेशन को कुछ इस प्रकार से डिक्रीज करते हुए दोस्तों आपको इसे आपको 50 रख लेना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से यहाँ पे डन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है तथा दोस्तों आपको ऊपर की तरफ शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फोटो को यहाँ से दोस्तों कुछ इस प्रकार से सेव कर लेना है अपने गैलरी में। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से ऊपर की तरफ एरो के ऑप्शन पर क्लिक करना है तथा कुछ इस प्रकार से दोस्तों अपने इस फोटो को यहाँ से लाइटरूम ऐप से डिलीट कर लेना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको वापस से दोस्तों ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है तथा दोस्तों इसी फोटो को जो आपने डिलीट किया था इसे वापस से दोस्तों अपने गैलरी से दोस्तों आपको इसे ऐड कर लेना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से इसे वापस से लाइटरूम ऐप के अंदर ओपन करना है। फिर दोस्तों आपको वापस से नीचे की तरफ दोस्तों आपको कलर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको मिक्स टूल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको दोस्तों ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर देना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको इसकी ह्यू को कुछ इस प्रकार से इंक्रीज करते हुए 100 रख लेना है तथा इसकी सैचुरेशन को दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से डिक्रीज करते हुए 50 रख लेना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको येलो कलर को सिलेक्ट करना है, इसकी ह्यू को दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से इंक्रीज करते हुए 100 रख लेना है तथा इसकी सैचुरेशन को दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से डिक्रीज करते हुए दोस्तों आपको 100 रख लेना है।
ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको डन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। डन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों ये आप देख सकते हो, ये है अपना सेकंड टोन जो कि है सियान कलर टोन। इस प्रकार से कर लेने के बाद दोस्तों आपको अपने हेयर पर ऑयल पेंट इफेक्ट ऐड करने के लिए दोस्तों आपको ऊपर की तरफ शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको शेयर टू डिवाइस के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फोटो को यहाँ से शेयर करके ओपन कर लेना है टूलविज ऐप के अंदर। टूलविज ऐप दोस्तों प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, वहाँ से जाकर आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। फिर दोस्तों आपके सामने टूलविज ऐप के अंदर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर नजर आएगा। सिंपली से दोस्तों आपको नीचे की तरफ बहुत सारे ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, यहाँ पे दोस्तों आपको इफेक्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सॉफ्ट स्मज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको नीचे की तरफ बहुत सारे इफेक्ट नजर आ रहे होंगे, सिंपली से दोस्तों आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको एक नंबर वाले इफेक्ट को सेलेक्ट कर देना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको नीचे की तरफ से सेकंड नंबर ऑप्शन मास्क के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको क्लीन के ऑप्शन पर क्लिक करना है तथा कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको अपने फोटो को जूम करना है तथा ब्रश चलाते हुए दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से अपने हेयर पर ऑयल पेंट इफेक्ट अप्लाई कर लेना है। कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको ब्रश चलाना है तथा हेयर पर ऑयल पेंट इफेक्ट ऐड करने के लिए दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से ब्रश चलाना है, जिससे आप देख सकते हो दोस्तों कुछ इस प्रकार से अपने हेयर पर तथा दोस्तों कुछ इस प्रकार से बियर्ड पर दोस्तों ऑयल पेंट इफेक्ट ऐड होने लगेगा। जहाँ जहाँ पर दोस्तों आप ऑयल पेंट इफेक्ट ऐड करना चाहते हो वहाँ पर दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से ब्रश चला लेना है, जिससे दोस्तों आपके हेयर पर एंड बियर्ड पर दोस्तों कुछ इस प्रकार से ऑयल पेंट इफेक्ट ऐड हो जाएगा। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको ऊपर की तरफ राइट साइड राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो आपके हेयर पर कुछ इस प्रकार से ऑयल पेंट इफेक्ट ऐड हो चुका है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से अपने बैकग्राउंड में बोके इफेक्ट ऐड करने के लिए दोस्तों आपको राइट साइड से ऊपर की तरफ कॉर्नर में सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार से लोड लेगा तथा यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाए शेयर मोर का, इसके ऑप्शन पे क्लिक करके अपने फोटो को यहाँ से शेयर करके ओपन कर लेना है दोस्तों आपको पिक्सार्ट ऐप के अंदर। पिक्सार्ट ऐप दोस्तों प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, वहाँ से जाकर आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। फिर दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से दोस्तों पिक्सार्ट ऐप के अंदर लोड लेकर इंटरफेस खुलकर नजर आएगा। सिंपली से दोस्तों आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐड फोटो का, इसके ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों एक बोके पीएनजी मिल जाएगा, उसे जाके दोस्तों आपको डाउनलोड कर देना है तथा इसे कुछ इस प्रकार से ऐड कर लेना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों इसे नीचे की तरफ दोस्तों आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों ब्लेंड का। सिंपली से दोस्तों आपको इसके ऑप्शन पर क्लिक करना है तथा इसे कुछ इस प्रकार से लाइट एंड कर लेना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों इसे कुछ इस प्रकार से अपने फोटो पर अच्छे से दोस्तों आपको एडजस्ट कर लेना है बोके इफेक्ट को। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको ऊपर की तरफ इरेजर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको नीचे की तरफ इरेजर के ऑप्शन पर क्लिक करना है तथा कुछ इस प्रकार से जो एक्स्ट्रा बोके इफेक्ट जो दोस्तों अपने फोटो पर आ गए हैं उन्हें दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से क्लीन कर लेना है। इस प्रकार से कर लेने के बाद दोस्तों आपको ऊपर की तरफ राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से HD क्वालिटी में अपना फोटो एडिट हो चुका है। सो दोस्तों आज की फोटो एडिटिंग में बस इतना ही। इसे HD क्वालिटी में सेव करने के लिए दोस्तों आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको ड्रॉ का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको ऊपर की तरफ से 3 डॉट्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है तथा दोस्तों आपको यहाँ पर सेव इमेज के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिससे दोस्तों आपका फोटो HD क्वालिटी में गैलरी में सेव हो जाएगा। सो गाइज वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। जल्द मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।